हाल ही में यमुनानगर के जिला उपायुक्त के द्वारा इसको लेकर सख्त रवैया अपनाने की बात कही गई थी, मगर देखने को मिला कि अब हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी यूरिया हरियाणा में पहुंचने लगा है, जिसका जीता जागता सबूत ये ट्रॉली है जिसके अंदर 120 कट्टे यूरिया के लोड करके गंगाहों से यमुनानगर लाया जा रहा था। ये यूरिया कहाँ जाना था और इस बात का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रॉली को रोका तो ट्रॉली चालक मौके से फरार हो क्या, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और खाद का सैंपल ले लिया गया और मामले की जांच शुरू की। वहां पहुंच कर देखा तो वहां पर ट्रैक्टर ट्रैली जिसमें 100 बैग यूरिया थे, जो पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया भी ये ट्रैली यूरिया गंगो से संदीप सैनी ने लोड किया था और यमुनानगर में जाना था, जिसके बारे सीएम पलायन स्क्वाड और एग्रीकल्चर विभाग वाले कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी कंप्लेंट होगी कार्रवाई कर देंगे, उसके बारे पता किया जाएगा कि ये खाद किस पर्पज के लिए आया था और कहाँ जाए। मेरे पास सीएम फ्लाइंग से श्री दिनेश जी का फोन आया था कि ऐसे ऐसे कलानौर और मंडोली के बीच में नेशनल हाईवे जो है 344 पे उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है जो जिसमें खाद है। तो सूचना मिलते ही हम वहाँ पहुँचे, हमने वो ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद देखा और वो खाद जो है वो कृषि योग्य खाद है। सर क्या ये जैसे यूपी से हरियाणा में आ रहा था वो भी विदाउट बिल तो ऐसे आ सकता है? नहीं, ये कंट्रोल फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खाद भेजना अलाउड नहीं है। तो ये अवैध रूप से? ये अवैध रूप से आ रहा था। तो सर ट्रॉली में कितने बैग थे? सर ट्रॉली में अभी तकरीबन 100-125 बैग होने की आशंका है। जा कहाँ रहा सर? इसलिए ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया इस बारे में। तो सर कोई बिल वगैरह कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के कोई कागज? नहीं, कोई कागज नहीं मिले अभी तक। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही सर आप? अब कृषि विभाग इसका एक सैंपल लेगा और वो सैंपल लैब में भेजेगा और सीएम फ्लाइंग से जो श्री दिनेश जी हैं वो इस बारे में FIR दर्ज कराएंगे।